हेलो फ्रेंड्स, ओएनजीसी के कंसोलिडेटेड क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। इनकम पिछले जून में थी 1,11,088 करोड़ और ये जून में है 63,575 करोड़। एक्सपेंस पिछले जून में थे 99,907 करोड़ और अभी है 61,002 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले जून में था 11,450 करोड़ और अभी काफी कम हो गया है 2,012 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले जून में था 7,120 करोड़ और अभी वो भी काफी कम हो गया 1,090 करोड़। आइए देखते हैं कि डिफरेंस क्या हुआ पिछले जून के मुकाबले ये जून में। इनकम कम हुई 43%, एक्सपेंस कम हुए 38%, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 82% कम हो गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 84% कम हो गया। कंपनी का काफी खराब परफॉर्मेंस रहा कोविड में। आइए चार्ट देखते हैं। ये देखें, जनवरी में 125 लेवल पे ट्रेड कर रहा था ओएनजीसी और फिर कम होकर मार्च में हुआ था 50 रुपीज। अब मार्च से इसने बढ़ना चालू किया लेकिन पिछले दो महीने से ये बढ़ नहीं पाया है। यहां पर अगर हम देखें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 जो 79 रुपीज है और ईएमए 80 रुपीज है, ईएमए 182 रुपीज है, यानी कि ईएमए 20, ईएमए 50 और 100 से दोनों से कम है, तो चार्ट अभी बेरिश पैटर्न में है। तो ये चार्ट जब तक ईएमए 20, ईएमए 50 और 100 के ऊपर नहीं जाएगी तब तक बेरिश पैटर्न में है और तब तक चार्ट की प्राइस नीचे जाएगी। थैंक यू।